अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो जनाब आज बैठे बैठे हमारा प्लान बना के बाहर चलते हैं कुछ खाना वाना खाने। तो खैर बच्चों ने जो है ना, हमारा तो यही था कि हम लोग किसी रेस्टोरेंट में चल के बैठ के खाते हैं, लेकिन बच्चों ने कहा हम नहीं जाएंगे क्योंकि आप लोग जो है ना देसी फूड ही ऑर्डर करते हैं। हमने कहा ये लो भाई आप की लो, गाड़ी आप ड्राइव करो, जहाँ ले जाओगे हम वहीं चले जाएंगे। खैर हमें पता चल गया रास्ते में कि ये हमजा भाई ने जो टर्न लिया ना यहाँ एग्लिंटन से 9th लाइन से, तो ये जो है एग्लिंटन एवेन्यू पे जा रहा है, कन्फेडरेशन जो प्लाजा है यहाँ पे, और हम लोग जो है ना ये पिज़्ज़ा ही हमें खिलाएगा आज। तो खैर ये पिज़्ज़ा बुरा नहीं है, बहुत मज़े का अच्छा पिज़्ज़ा है। हम क्योंकि उसको भी अंदाज़ा था कि अगर मैं किसी अपनी मर्ज़ी से किसी जगह ले जाऊँगा तो वो फिर इन लोगों को, घर वालों को अगर पसंद नहीं आया तो जो है ना वो बाद में मुझे सुननी पड़ेगी कि पैसे ज़ाया हो गए, ये वो। नई चीज़ हम ना कोई हम ट्राई नहीं करते। तो खैर यानी हम लोग जो ना यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया है और मामूल के मुताबिक जैसे जुनेद साहब जो है ना बैठे होते हैं, और जैसे मैं कैमरा निकालूँ मेरे हाथ में मोबाइल देखता जाएगा और फ़ौरन कहेगा अच्छा अब बातें करनी है या कैमरा कैमरा ऑन करना है। तो बस इसके साथ ये इशू चल रहा होता है कि कैमरा बस नहीं होना चाहिए और बंद करते हैं आप नहीं चलाएं। तो खैर जनाब यहाँ पे हबीबा और हमज़ा साहब की भी खुसर चल रही है, इशारे हो रहे हैं, मुझे समझ आ रही है कि ये लोग बाहर कुछ जाना चाह रहे हैं और ये बस अब जो है ना ये अब बाहर कुछ पता नहीं, मैंने कुछ आते हुए देखा और ये दोनों बहन भाई बाहर जाके कुछ जो है ना चेक करेंगे कि हाँ ये चीज़ अच्छी है या नहीं, लेनी चाहिए या नहीं। तो खैर ये लोग बाहर चले गए, हम लोगों ने पिज़्ज़ा अपना आते ही ऑर्डर करवा दिया था। हमने चार पिज़्ज़े हमने ऑर्डर करवाए क्योंकि जवाब में सिर्फ चीज़ पिज़्ज़ा खाना होता है और बाकी किसी बच्चे ने स्पाइसी और इस तरह से बारबेक्यू भी है और चिल्ली वाले भी, जितने भी आपने यहाँ पे करने हर तरह से आपको जो है ना यहाँ पे पिज़्ज़ा मिल जाता है बहुत मज़े का और अच्छा। खैर हमने जो है ना पिज़्ज़े का हम लोग वेट कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा पिज़्ज़ा अभी आने ही वाला है। पिज़्ज़ा हमारा आ चुका है और रोबर्ट भाईजान जो है ना स्पेचुला लेके आना भूल गए और हमें हाथ ही यूज़ करने पड़ रहे हैं। तो बस जनाब हमें हाथ ही यूज़ करना पड़े हैं। यहाँ पे जो है ना जुनेद साहब को वही टेंशन कि आप जो है ना बंद करें, इसको बंद करें। तो खैर हमने जो है ना वो पिज़्ज़ा बस अपने हाथ ही इस्तेमाल किए, फिर हमने जो है ना ये पिज़्ज़ा उठा के खाया बच्चों ने गर्मा गर्म, बहुत मज़े का फ्रेश चीज़ी। और जनाब ये आप लोग भी ज़रूर खाएँ। पहले जब हम लोग आए थे यहाँ पर कनाडा में तो मुझे एक पिज़्ज़ा हॉट पिज़्ज़ा के नाम से था वो 10th लाइन पे, वो बहुत ही मज़े का और अच्छा होता था। अभी भी खैर अच्छा है, उनकी जो है ना टॉपिंग बहुत अच्छी होती है और ज़बरदस्त, लेकिन उन लोगों ने क्या किया उनकी बेस बहुत आस्ते आस्ते ना उन्होंने बिल्कुल ही थिन करते जा रहे हैं, उनकी इतनी थिन हो गई कि घर तक आते या एक तो उनके पास बैठ के खाने की स्पेस नहीं है उनके पास, दूसरा ये कि जब हम घर लेके आते हैं तो आते आते ना वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है क्योंकि उनकी जो बेस है वो बिल्कुल पतली कर दी उन लोगों ने। तो खैर इन लोगों की ना थोड़ी सी लाइक बेस अच्छी है, मोटी इन्होंने रखी हुई है। और हमने पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा खाया, उसके बाद हमने कहा चलें ये पूरा प्लाज़ा घुमाते हैं आपको और दिखाते हैं ना कि यहाँ पे और क्या क्या चीज़ है। अच्छा इस प्लाज़े के अंदर सारी खाने पीने की ही सारे वो हैं, इंडियन कुजीन है, पाकिस्तानी है, अरेबिक है, आप कुछ भी आप यहाँ पे देसी हर तरह का चाय और गन्ने का रस और क्या कहते हैं उसको, हर चीज़ आपको यहाँ पर जो है ना आपको मिलती है। अच्छा हमारा इरादा यहाँ पे बना था कि फलूदा आगे चल के ना फलूदा देखते हैं और वो खाते हैं चल के, लेकिन हबीबा का भी मूड नहीं हो रहा था क्योंकि वो नट्स एलर्जी है, उसे बिल्कुल पसंद नहीं है और वो कहती नहीं मुझे नहीं खाना। और जुनेद का आज मूड नहीं हो रहा था और हमज़ा भाई वैसे अपने फ्रेंड्स के साथ गए थे। अब ये देखें यहाँ आगे चल के आपको दिखाती हूँ, लेकिन यहाँ पर रोटी लगी हुई गन्ने की और ये सारा ये रस वगैरह यहाँ पर मिल। तो स्क्वायर से चीप है ये फलूदा इधर आई हैव ये ट्राई टू टॉक द फूड या लाइक डाउन आई कांट वॉक एनी लॉन्गर पुलिंग जल्दी जल्दी कैन यू गो फास्ट लाइक आई हैव टू माय पास्टर हैज टू बी लाइक दैट Thank you.
अरेबिक कहवा था, यहाँ से हम लोग उतर के आए हैं और जो है ना आगे चाय और हर तरह की जो है ना मिठाइयाँ बकलावा और ये सब जो है ना यहाँ पे हर तरह से मिलती है। ये अच्छा आप लोग भी यहाँ पे वीकेंड पे आए और आके ना इसको एक्सप्लोर करें, देखें आपको यहाँ पे अपनी मनपसंद हर तरह की जो है ना खाने वाने यहाँ पे आपको एक ही जगह पे सब कुछ मिल सकता है। तो खैर जनाब ये देखें, ये हम इस साइड से आ रहे थे पीछे से, और अभी इनका नाम मैं आपको इसलिए नहीं दिखा सक रही हूँ क्योंकि ये ऊपर लिखा हुआ ना, हम बिल्कुल साथ साथ हम ये चलते हुए जा रहे हैं और उस साइड पे सारी कोई वॉक स्पेस है ही नहीं, उस तरफ ना पार्किंग वाली वो है, पार्किंग की जगह गाड़ियों की, उसे जस्ट मैं नीचे से दिखा सक रही हूँ और ऊपर से इनका ना नाम नहीं दिखा पा रही। तो खैर आप लोग आएँ यहाँ पे, ये एग्लिंटन और 9th लाइन पे है मिसिसागा में, ये देखें बासन रॉबिन भी है यहाँ पे, ये पिज़्ज़ा एक और आ गया है यहाँ पे, और आप लोग आएँ यहाँ पे ट्राई करें, घूमें फिरें अपनी, अगर आपको कोई भी खाने वाने पसंद, अगर आप खाने वाने के शौकीन हैं तो फिर आपको जो है ना यहाँ पे आना चाहिए और आके जो है ना लाजमी देखें। हमें तो जो भी चीज़ें हमने यहाँ पे ट्राई की हैं हमें अच्छी लगी हैं, बहुत मज़े किए हैं। यहाँ अब ना जुनेद और जवाद थक चुके हैं और बस इनको ये है कि हमें वॉक ना करनी पड़े, अब ज़रा इनकी बातें सुनिएगा कि ये कहते क्या हैं। तो जो है ना हमें सिर्फ ये है कि थोड़ी सी वॉक भी हो जाएगी, खाना भी हमारा हज़म हो जाएगा और हम लोग जो है ना थोड़ी सी वॉक करके ये एरिया हम भी एक्सप्लोर कर रहे हैं और आप लोगों को भी दिखाते जाएँ। तो जनाब हम लोग जो है ना इसलिए आप ज़रा इनकी बातें सुने, ज़रा जुनेद क्या जवाद क्या कह रहा है। अच्छा आप लोगों ने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की होगी कि हम लोग कनाडा में यहाँ पे बिल्कुल भी कभी हॉर्न वगैरह हमें ना सुनाई नहीं देता, कभी भी एक दूसरे को हॉर्न नहीं देते। तो यहाँ पे देखें अब ये ऐसा एरिया है सावा जैसी है तकरीबन, तो यहाँ पे देखें अब जगह लेने के लिए या कोई अगर रुका हुआ या कुछ है तो यहाँ के हॉर्न्स की आवाज़ भी मैंने यहाँ पर बहुत अरसे के बाद सुनी। अच्छा ये देखिए सामने जो है ना ये अरेबिक कैवे का जो है ना स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पे, और ये पाम बाइट के नाम से, मेरे ख्याल से पाम बाइट की इन्हीं की जो है ना कोई बाहर वो होगा स्टॉल कैवे का और अंदर इनका रेस्टोरेंट होगा अरेबिक, और काफ़ी अच्छा यानी कि हर चीज़ आपको यहाँ पे जो है ना मिल जाती है जो भी आप खाना पीना चाहें, आप लोग ज़रूर आएँ यहाँ पे और ट्राई ज़रूर करें। इधर से मिलेगा खाना? नहीं बाबा। चलो घर चलो। Oh, you're here. Okay.
Here, I was going there. And no, I don't see it. अच्छा जी, ये तो था कन्फेडरेशन प्लाजा मिसिसागा, 9th लाइन एग्लिंगटन एवेन्यू पे है। आप लोग भी यहाँ पे आएँ, एक्सप्लोर करें, अपने मनपसंद फूड यहाँ पे आप लोग ले सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो जनाब, मुझे उम्मीद है मेरा ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपनी फैमिली फ्रेंड्स से शेयर करें। और क्योंकि जो भी नई चीज़ मुझे तो पता चलती है, जो भी खाना अच्छा लगता है या कोई ऐसी चीज़ जो मुझे कोई यहाँ पे मिलती है, तो मैं फिर मुझे यही होता है कि किसी और का भी भला हो जाए, किसी और को भी जो है ना ज़्यादा जो है ना ढूंढनी ना पड़े चीज़ें। और मैं इसलिए फिर आप लोगों को भी बता देती हूँ कि एटलीस्ट आप लोग भी वहाँ पे जाएं और आपको हर चीज़ यहाँ पे मिल सकती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को ये मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और अपनी दुआ में याद रखें, अल्लाह ताला आप सबको भी हिफ्ज़ो अमान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें, छोटी छोटी खुशियाँ बांटते रहें और सबका भला सोचते रहें। इसके साथ ही जनाब, हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। Just enjoy.